सब्सक्राइब करें चैनल गौरांगा रस। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को अपरा एकादशी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आइए अपरा एकादशी के महात्म्य को सभी मिलकर अध्ययन और श्रवण करते हैं। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के संवाद में आता है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा, हे कृष्ण, हे जनार्दन, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है, उसके महात्म्य के बारे में कृपया आप वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहने लगे, हे महाराज युधिष्ठिर, आपने सचमुच बहुत ही समझदारी का और वास्तविकता से देखा जाए तो सबके लिए हितकारक प्रश्न पूछा है। इस एकादशी का नाम अपरा है। जो भी इस व्रत का पालन करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर मर्यादित पुण्य संचय करता है। इस व्रत के पालन से अनेक घोर पापों से, जैसे कि ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, दूसरों की निंदा करना, अनैतिक स्त्री पुरुष संग करना, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, अभिमान करना, पैसे के लिए अध्यापन करना तथा वेद पढ़ना, अपनी मर्जी से ग्रंथ लिखना, साथ ही झूठे भविष्य कहने वाले और फंसाने वाले वैद्य भी मुक्त हो जाते हैं। लड़ाई से डरकर भागकर आए हुए क्षत्रिय को नरक द्वार मिलता है, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म का पालन न करके अपने पतन के लिए जिम्मेदार वे स्वयं हैं। परंतु इस व्रत के पालन से ऐसे क्षत्रिय को भी स्वर्ग प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उनकी निंदा करने वाले शिष्य को पाप की राशियां मिलती हैं। उस निंदित व्यक्ति ने भी इस व्रत का अगर पालन किया तो वह भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजाधिराज, कार्तिक मास में पुष्कर तीर्थ में स्नान करने से प्राप्त किया हुआ पुण्य, माघ मास में प्रयाग तीर्थ में स्नान करने से, काशी में जाकर महाशिवरात्रि पालन करने से, गया में जाकर भगवान विष्णु पाद पर पिंड दान करने से, गुरु जब भी सिंह राशि में आता है उस समय गौतमी नदी में स्नान करने से प्राप्त किया हुआ फल केवल अपरा एकादशी के पालन से सहज प्राप्त होता है। यह व्रत बहुत तीक्ष्ण कुल्हाड़ी से पाप वृक्ष को तोड़ देता है। इस अपरा एकादशी का पालन करने से और भगवान के त्रिविक्रम रूप की पूजा करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। दूसरों के हित के लिए जो कोई भी यह मातम्य पढ़ेगा और सुनेगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अपरा एकादशी की जय। अपरा एकादशी महात्म्य की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री युधिष्ठिर जी महाराज की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। भगवान श्रील वेद व्यास जी की जय। ब्रह्मांड पुराण की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं यही सभी भक्तों से प्रार्थना करूंगा कि इस हरे कृष्ण महामंत्र का इस पवित्र दिन एकादशी के दिन अधिक से अधिक जप और कीर्तन करें, क्योंकि शास्त्र भी कहता है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमिर सिमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का ही आधार है, और अन्य शास्त्रों में भी ऐसा ही वर्णन है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल हरि नाम ही हरि नाम ही हरि नाम ही एकमात्र साधन है, अन्य कोई गति नहीं, अन्य कोई गति नहीं, अन्य कोई गति ही नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण कृपा करके राधा रानी का भाव लेकर इस कलयुग में हम कलयुग के पतित जीवों का उद्धार करने के लिए 537 साल पहले होली के दिन वेस्ट बंगाल में
कोलकाता के पास मायापुर नादिया डिस्ट्रिक्ट में नवदीप में प्रकट हुए और उन्होंने भी यही शिक्षा दी, उठीते बोसीते खाईते शुईते यथा तथा नाम लय देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि हुए। उठते बैठते खाते सोते कैसे भी कोई देश काल का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, किसी भी समय इस हरे कृष्ण मंत्र का जप कीर्तन हम कर सकते हैं और इस महामंत्र के जप कीर्तन से हम इसी महामंत्र में ही भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ रहते हैं वास करते हैं। तो आइए सभी मिलकर इस महा एकादशी पर्व को हम सभी अन्न बिल्कुल नहीं लेने का करके केवल फलाहार पे रहे, निर्जला रह सके तो बहुत अच्छा है, नहीं निर्जला कोई रह सके तो पानी लेके पी के रह ले, अगर फिर भी मुश्किल आए तो फलाहार ले ले, लेकिन अन्न तो बिल्कुल नहीं ले। चावल है, गेहूं है, रोटी है, दालें हैं, ये सब चीजें नहीं ली जाती, ग्रेन अन्न फलाहार ले सकता है, दूध दूध के बनी चीजें आलू ले सकता है फलाहार, सरसों के तेल का एकादशी के स्पर्श करना भी पाप है, इसलिए अगर या तो देसी घी या फिर कुछ ऐसा फलाहार करना हो बनाना हो तो मूंगफली का तेल है या सनफ्लावर ऑयल है पीनट ऑयल इसमें कर सकते हैं, लेकिन दूसरे बाकी शुद्ध नहीं उतना माने गए। तो इसलिए इन सब का विचार करते हुए ऐसा पवित्र दिन भगवान कृष्ण कहते हैं दिनों में मुझे एकादशी सबसे प्रिय है, और अगर कोई एकादशी का व्रत करता है तो भगवान कृष्ण कहते हैं उसे निश्चित रूप से मेरी भक्ति प्राप्त होगी। तो हमें ये अवसर नहीं खोलना चाहिए इस कलयुग में, जो हमें ये अवसर मिल रहा है सबसे सुगमता से केवल भगवान के नामों का कीर्तन करना और अपना उद्धार हम करा सकते हैं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। तो आइए सब मिलकर ये उपवास व्रत करें और हरि नाम करें। हरे कृष्णा, धन्यवाद।